सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर बाई कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट से, पैनकेक स्वैप एक्सचेंज से, यहाँ पर कैटी क्वाइन को। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कैट क्वाइन है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी उसने अच्छा ग्रोथ दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्वाइन जी को मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और इसको आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ये कम हुआ लेकिन अभी ये फिर से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको बाई कर रहे हैं। तो अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह से यहाँ पर बाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से यहाँ पर जो कैट क्वाइन है इसको आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये दिया हुआ है क्वाइन जी को मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपने इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है, जिससे कि आपको क्रिप्टो करेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है कैटी क्वाइन को, और यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा तो इसका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है ये दिया हुआ है कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो यहाँ पर मैं इसका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कॉपी मैंने कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको बाई कर सकता हूँ ट्रस्ट वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन से। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने सर्च कर लेता हूँ ट्रस्ट वॉलेट, तो ये दिया हुआ है ट्रस्ट वॉलेट मोबाइल ऐप। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि मैंने कैटी क्वाइन को देख सकते हैं कि मैंने पहले भी बाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर टू लाइंस बनी हुई हैं, ऊपर इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके जो आपने कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी किया हुआ था यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, तो आपका जो कैटी क्वाइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कैटी क्वाइन। ठीक है, तो इसको आप ओपन कर लीजिएगा तो ये आपका क्या है कि यहाँ पर दिखने लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो आ चुका है, तो जो आपका जो कैटी क्वाइन है वो यहाँ पर होम पेज पर आपका नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप जब इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ से इनेबल कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका दिखने लग जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी को क्वाइंस को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इस तरह से कैटी क्वाइन को भी है। आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको जाना है डी एप्स पर, यहाँ पर डी एप्स का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे आइएगा, आपको जाना है पैनकेक स्वैप पर, तो यहाँ पर पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैनकेक स्वैप का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये लिस्टेड है, आपका जो ब्लॉकचेन है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर लिस्टेड है, तो आप पैनकेक स्वैप से इसको बाई कर सकते हैं। ये दिया हुआ एक्सचेंजेस, तो यहाँ पर आपको पैनकेक स्वैप पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर पैनकेक स्वैप को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं पैनकेक स्वैप से। तो यहाँ पर मेरा खुल के आ चुका है, तो यहाँ पर अगर आपका कनेक्ट नहीं होगा वॉलेट से तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे यहाँ पर कनेक्ट है, इसलिए जो BNB का जो बैलेंस है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको खरीदने के लिए, आप कोई भी क्वाइन खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपके पास BNB होना चाहिए। ठीक है, तो BNB आप यहाँ पर किसी भी अदर एक्सचेंज से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि CoinDCX, WZRX हो गया, क्वाइन स्विच हो गया। ठीक है, उस वहाँ से आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं BNB को। ठीक है, आपको उन ऐप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मेरे पास BNB है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैलेंस दिख रहा है 0.566185, तो मेरे पास इतना BNB है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ कोई अदर कॉइन को बाई करने के लिए। अब मुझे जो कॉइन को बाई करना है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर केक सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, वही यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, जो कॉन्टैक्ट एड्रेस था वो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, तो यहाँ पर ये आ चुका है कैटी क्वाइन। तो यहाँ पर इंपोर्ट लिखा हुआ है, इंपोर्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर BNB है, अगर आपका BNB सेलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर BNB में कितना बैलेंस है मेरे पास, 0.566185 है, यहाँ पर मैंने कैटी क्वाइन सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो कैटी क्वाइन मेरे पास ऑलरेडी है, आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पर 0 शो करेगा। तो यहाँ पर मैं बैलेंस फिल कर देता हूँ, कितने का मुझे बाई करना है, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ 0.01 में मुझे इतना मिल जाएगा। ठीक है, कैटी क्वाइन, इतने कैटी क्वाइन मुझे मिल जाएंगे, तो जितना भी आप बाई करना चाहते हो उतना बाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका स्लिपेज टॉलरेंस है वो 0.5% है, आप यहाँ पर स्वैप पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कन्फर्म स्वैप, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है द ट्रांजेक्शन कैन नॉट सक्सेस ड्यू टू एरर। ठीक है, तो यहाँ पर डिसमिस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है
ये दिया हुआ सेटिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो स्लिपेज टॉलरेंस है ये दिया हुआ है आपका, और यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर फिल कर देता हूँ 10%। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10% कर दिया है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे फ़ीस लग रही है वो 111 रुपये लग रही है, और यहाँ पर जो मैं बाई कर रहा हूँ 322 रुपये का, तो टोटल लगेगा यहाँ पर 414 रुपये। तो यहाँ पर अप्रूव पर आप क्लिक कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपको कोड फिल करना होगा, तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट दे दिया है, और यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिटेड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लोज पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप मुझे BNB के बदले, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन रिसीप्ट ऊपर आ चुका है, ये दिया हुआ है। तो इस तरह से मैंने BNB के बदले यहाँ पर कैटी कॉइन को मैंने बाई कर लिया है। अब मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा और यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर गया तो यहाँ पर जो स्मार्ट चेन था ये वाला कट हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्मार्ट चेन से यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.01 BNB यहाँ से डिडक्ट हो गया है, और जो कैटी कॉइन है हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ये दिया हुआ है कैटी कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पर इतना दिखा रहा है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जितना कैटी कॉइन था उसमें जो नए वाले खरीदे हैं वो भी ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं कैटी कॉइन को। तो सिंपल सा प्रोसेस है, सबसे पहले इसको आप बाइनेंस स्मार्ट चेन से खरीद सकते हैं। तो आपके पास BNB ये बाइनेंस स्मार्ट चेन आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जो अदर एक्सचेंजेस हैं जैसे वजीरक्स हो गया, CoinDCX हो गया, CoinSwitch हो गया, वहाँ पर आप बाई कर लीजिएगा इंडियन रुपीज़ में, और यहाँ पर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र कर लेंगे तो फिर इसके बाद यहाँ पर आप DF पर जाके इसको स्वैप कर सकते हैं, DF पर जाके इसको स्वैप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। तो आइए आपको प्रिपरेशन है, अगर आपकी वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।